जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फॉर यू में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ SSC फेस 9th रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको SSC के ऑफिशियल पेज पे आ जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लेटेस्ट न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। 24 सितंबर 2020 यानी कि आज ही का अपडेट किया गया, जैसे आप देख पाएंगे ये फेस 8 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके लिए, आपके सामने डाउनलोड के लिए पूछेगा, डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे, इसका ऑफिशियल जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ये PDF ओपन होगा, कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी आप देख पाएंगे, SSC फेस 9th की ये वैकेंसी है। जैसे नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख पाएंगे 24/9/2021 से ये ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया 25/10/2021 रखा गया है, और अप्लीकेशन जो आपका फी लगने वाला है वो उसका जो लास्ट डेट, अप्लीकेशन जो सबमिट करने का डेट है वो लास्ट डेट है 25/10/2021। अप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ी का जो लास्ट डेट रखा गया वो 28/10/2021 रखा गया। इस चलान का यहाँ पे 28/10/2021 ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम बताया जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जनवरी या फरवरी में आप 2022 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा इस PDF पर। चलिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। यहाँ फ्रेंड्स एज में छूट के लिए दे रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। जैसे नीचे आएंगे नेशनलिटी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। इंडियन, नेपाल, भूटान से अगर हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो नेशनलिटी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो नेशनलिटी दे रखा है यहाँ से हैं तो आप अप्लाई कर लेंगे। एज लिमिट जो आपका रहने वाला है वो काउंट किया जाएगा 1/1/2021 तक का। और फ्रेंड्स, एज लिमिट की पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखा है Annexure 3 में। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो आप दे पाएंगे, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स। और भी नीचे आने के बाद यहाँ पे एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एज कोड आप देख पाएंगे, कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे आपका एज में कितना छूट मिलेगा, ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले SC ST का 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, OBC का 3 ईयर्स का, PWD का 10 ईयर्स का, PWD OBC हैं तो 13 ईयर्स, अगर आप SC ST हैं तो 15 ईयर्स, PWD हैं 1 सर्विसमैन का 3 ईयर्स का छूट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से आकर चेक कर लीजिएगा। और भी नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट यहां पर जो भी जानकारी आप देख पाएंगे, इसका लास्ट डेट 25/10/2021 रखा गया। इससे पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसी पर बात करूँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे 10 नंबर में देखने को मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना होगा। इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर लीजिएगा। आप वीडियो देखकर आसानी से अप्लाई कर लेंगे। 25/10/2021 इसका लास्ट डेट रखा गया। 25/10/2021 से पहले आप इस आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद फ्रेंड्स, अप्लीकेशन फ़ी जो इसमें मांगा गया है 100 रुपया मांगा गया है। और अगर आप SC ST हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, या ऑल कैटेगरी का फीमेल हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। फिजिकली हैंडीकेप को भी कोई चार्ज नहीं देगा। अगर ये केवल फ्रेंड्स इसमें EWS से अप्लाई करेंगे, OBC से अप्लाई करेंगे, जनरल से अप्लाई करेंगे तभी आपको 100 रुपया चार्ज देना होगा। वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर भीम UPI के थ्रू, और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 28/10/2021 से पहले आपको अपना पेमेंट कर लेना होगा। पेमेंट के बारे में दे रखा है, आप यहां से देख पाएंगे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे एग्जाम सेंटर देख पाएंगे और स्टेट देख पाएंगे। उसके बाद यहां से आप अपना जो भी एड्रेस है वो देख पाएंगे। सबसे पहले दे रखा है, अगर आप सेंट्रल रीजन से आते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश का सेंटर कहाँ रहेगा, और इनका वहाँ का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन का यहाँ पर, तो इनका जो ये रहने वाला एग्ज़ाम सेंटर यहाँ यहाँ और ये एड्रेस रहने वाला है, और इसमें कौन कौन से, जैसे ईस्टर्न रीजन में आता है अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल, ये सब आता है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं कोलकाता रीजन से, कर्नाटका रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं, KKR से,
कर्नाटका केरल रीजन से, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला, यहाँ रहने वाला एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिएगा, सभी के एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दे रखा, टोटल 9 रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप आकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर दे रखा है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे टोटल समय। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल, यहाँ पे इंटेलिजेंस का तो 25 क्वेश्चन रहेगा जो 20 50 मार्क्स के रहने वाला है, जनरल एवरेंस 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के रहने वाला है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, उसके बाद इसका 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का रहेगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के रहने वाला है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल आपके पास समय रहेगा 60 मिनट। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। उसके बाद आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, 0.50 मार्क्स रहेगा। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, और सिलेबस भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देख पाएंगे यहाँ पे मैट्रिक लेवल का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, जो मैट्रिक लेवल से अप्लाई करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस से या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैट्रिक लेवल का है, जनरल एवरेंस से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 10+2 लेवल का सिलेबस रहने वाला है, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहने वाला है या उससे अबव वाला, तो ये सिलेबस आपका देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप आकर चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है, मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आकर चेक कर लीजिएगा। जैसे नीचे आएंगे आपका जो गवर्नमेंट आईडी लगेगा, कोई आधार कार्ड दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी आपको एक लगेगा। फॉर्म अप्लाई करते वक्त कैसे अप्लाई करना होगा मैंने बताया था, और एग्ज़ाम देने जब जाइएगा तभी ये मांगा जाएगा। आईडी प्रूफ कोई भी आप एक ले लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखा है, वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लगने वाला है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैट्रिक, इंटर, 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो कॉपी भी लगेंगे, उसके बाद आपका आयात ये सब लगेगा। मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वीडियो बना दूंगा जब आपका काम लगेगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको Annexure 3 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आकर वैकेंसी की पूरी जानकारी आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर एक, उसके बाद आपका यहाँ पर रीजन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद पोस्ट नंबर, उसके बाद पोस्ट नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, एज, उसके बाद पे स्केल, उसके बाद EQ लेवल, उसके बाद जैसे क्वालिफिकेशन ये आपका रहने वाला है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे वैकेंसी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ST ST OBC के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंट्रल रीजन का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर CR का पोस्ट नंबर जब अप्लाई करेंगे तो ये पोस्ट नंबर ही अप्लाई करना होता है। उसका एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लेवल 6 का आपका पे स्केल रहने वाला, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या एबव आपको देखने को मिल जाएगा, और भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख अकाउंटेंट का यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए क्या मांगा है, ग्रेजुएशन ही मांगा है, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो इसमें मैट्रिक का फ्रेंड्स सेंट्रल रीजन मैट्रिक का एक है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहने वाला है। लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा, 18 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। और इसमें कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, कौन से पोस्ट पे है, ऊपर आएंगे तो जनरल पोस्ट के लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर सेंट्रल रीजन में है, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चेक कर, यहाँ पे 10+2 की भी है, ग्रेजुएशन का भी है, तो यहाँ से आप आकर चेक कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। पूरी जानकारी यहाँ पे Annexure 2 में 3 में दे रखा है, Annexure 3 ही था, Annexure 3 था, Annexure 3 में दे रखा है। तो यहाँ से आकर वैकेंसी की पूरी जानकारी आप ले पाएंगे, और कौन से रीजन में कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप आकर चेक कर लीजिएगा टोटल कितने पोस्ट के लिए भर्ती आया हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे टोटल यहाँ पर 3261 पोस्ट के लिए भर्ती आया हुआ है। पूरी जानकारी इसी पेज पर देखने को मिल जाएगा, इसी नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो इसका फर्स्ट PDF है वो 85 नंबर पेज है, और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी की पूरी जानकारी। तो
तो फ्रेंड्स यही बताना था आपको इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी की रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।